जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास है Redmi Note 10s और इस डिवाइस में जो डिस्प्ले मिलता है वो आपको सुपर एमोलेड मिलता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है। बट ऑफिशियली Xiaomi ने इस पे MIUI 12.5 सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट नहीं दिया है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरह से Redmi Note 10s में MIUI 12.5 सुपर वॉलपेपर को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। चैनल पर नए आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। Redmi Note 10s में MIUI 12.5 सुपर वॉलपेपर को कैसे आप इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे डिवाइस में कौन कौन सा सुपर वॉलपेपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। सबसे पहले थीम एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर वॉलपेपर का जो ऑप्शन है ये अभी इनेबल है, जो कि ऑफिशियली है, और ये ऑप्शन अभी आपके डिवाइस में इनेबल नहीं है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं Snowpeak ये भी परफेक्टली यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पे द रेड प्लैनेट, उसके बाद होम, सभी चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। तो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे होम स्क्रीन को सेट किया है, तो हम लोग यहाँ पे Snowpeak को भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। प्रीव्यू में थोड़ा डिले होता है तो इसे इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस में परफेक्टली अभी वर्क भी कर रहा है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने लॉक कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Snowpeak भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसी के तरह यहाँ पे और भी बहुत सारा यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे द रेड प्लैनेट नेट, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट लोकेशन एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे न्यू वाला ले लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई पे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा न्यू वाला भी अप्लाई हो चुका है। इसी के तरह अगर हम लोग यहाँ पे लॉक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको इस तरह का देखने को मिलता है। जैसे आप अनलॉक करेंगे तो आप देख सकते हैं Redmi Note 10s में काफ़ी अच्छा लाइव वॉलपेपर ये देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने इतना ही डाउनलोड किया है, अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्योमेट्री वाला सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ज्योमेट्री वाला बहुत ज्यादा हाई डिवाइस में वर्क करता है। अब बात करते हैं कि Redmi Note 10s में MIUI 12.5 सुपर वॉलपेपर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है जो कि वॉलपेपर एप्लीकेशन का रहेगा। वॉलपेपर एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, और बाद बाकी जो एप्लीकेशन है आपको उसे डाउनलोड करना है। सिंपली थीम एप्लीकेशन पे जाना है, माई प्रोफाइल, उसके बाद वॉलपेपर पे जाने के बाद सुपर वॉलपेपर, और यहाँ पे आपको सिंपली इसे डाउनलोड पे लगा देना है। अब बात रही कि बहुत सारे डिवाइस में डाउनलोड नहीं होता है, तो आपको क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना है। सिंपली आपको लिख देना है Xiaomi लाइव वॉलपेपर APK मिरर, उसके बाद आपको यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जितने भी सुपर वॉलपेपर होता है आपको जो डाउनलोड करना, आप इजीली यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने Redmi Note 10s में MIUI 12.5 सुपर वॉलपेपर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर आपको कोई पर्सनली हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।